दोस्तों आज की कहानी है, सासू माँ है बाज नहीं हूँ, आपका बेटा ना मर्द है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। प्रसव के दौरान देवरानी प्रिया की मौत ने रजनी को अंदर से झकझोर दिया। उसकी उम्र ही क्या थी अभी, पर ऊपर वाला मौत की उम्र नहीं देखता। उसे जब ले जाना होता है बस ले जाता है। प्रिया के एक दिन की बच्ची को गोद में लेकर रजनी कमरे में टहल रही थी, तभी बगल के कमरे से सासी जी की आवाज सुनाई दी, जो अपनी बहू सीमा को बोल रही थी, सीमा बेटा तू अपने मायके वालों को खबर कर दो कि या जब प्रिया की मौत की सांत्वना देने आए तो साथ में मौनी के रिश्ते की बात जीजी से कर ले। आखिर वरुण की पूरी जिंदगी ऐसे ही थोड़ी ना कट जाएगा, उसे भी तो एक साथी की जरूरत होगी और बच्चों को एक माँ। दर्द का मारा वरुण बच्चों की खातिर हाँ कह ही देगा। सीमा कहती है ठीक है माँ जी। सासी जी बोलती है मैं भी मौका देख कर जीजी से बात कर लूंगी। सासी जी और सीमा की बातें सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा और गिन आ रही थी कि कैसे हैं ये लोग। अभी प्रिया की आरती की राग भी ठंडी नहीं हुई और ये लोग वरुण की शादी की बातें सोच रहे हैं। से गिन आती हैं ऐसे लोगों पर, इनके सोच पर, जिसे सिर्फ अपने फायदे का सूझता है। रजनी नन्ही सी जान को बेड पर लिटा कर रात के खाने की तैयारी के लिए रसोई में जाती है। रसोई के दरवाजे पर कदम रखा तो देखा सासी जी माँ जी को वरुण की शादी के लिए कह रही थी। जीजी कुछ सोचा क्या वरुण और बच्चों के बारे में? आखिर वरुण कैसे एक औरत के बिना अपनी आधी से अधिक जिंदगी कटेगा? सासी जी की बात सुनकर माँ जी भी कहती हैं हाँ छोटी, मुझे भी वरुण और बच्चों की चिंता खाई जा रही है। क्या होगा इन सब का तू बता, कोई अच्छी लड़की है तेरी नजर में तो? हाँ जीजी है ना, अपनी सीमा की छोटी बहन मौनी जिससे शादी की बात सली थी अपने वरुण की, पर वरुण ने मना कर दिया। बाद में अपने सहकर्मी प्रिया से प्रेम विवाह जो कर लिया। जीजी मौनी अच्छी लड़की है आप तो जानते ही हो, उसे फिर क्या दिक्कत है? अरे छोटी दिक्कत की नहीं, पर वो शादीशुदा है, ऊपर से उसका तलाक भी हो चुका है और वरुण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुझे तो सब पता है। माँ जी की बात सुनकर सासी जी भड़क जाती हैं और मुंह बनाते हुए बोलती हैं तो जीजी आपका बेटा भी कौन सा कुंवारा है, वो भी तो विदुर है और तो
और वो दो बच्चों का बाप भी तो है। फिर थोड़ा शांत होते हुए सासी जी कहती हैं, जीजी आप इतना मत सोचो, वरुण को अभी मोनी की जरूरत है। बला भरी जवानी में वो कैसे जिएगा, उसे भी तो एक औरत के प्यार की जरूरत है। सासी जी की बात सुनकर माँ जी कहती हैं, ठीक है छोटी, मौका देखकर मैं वरुण से बात कर लूंगी। सासी जी माँ जी को कहती हैं, जीजी मौका देखकर नहीं, जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। वैसे भी अभी वरुण भावनाओं के समुद्र में बह रहा है, उसे भी वो अपने बच्चे की चिंता हो रही होगी ना, आप आज ही बात कर लो। और हाँ जीजी, मोना के परिवार वाले मोटी रकम भी दहेज स्वरूप देंगे, प्रिया तो अपनी शादी में कुछ ला ना सकी। प्रेम विवाह जो कर लिया था आपका वरुण, सासी के अंतिम शब्द सुनकर माँ जी की खोई हुई इच्छा जैसे फिर से जाग गई दहेज की, जिसकी इच्छा माँ जी को वरुण की शादी से थी, पर प्रिया के परिवार से पर पूरी न हो सकी। सासी जी की बातें सुन माँ जी कहती हैं, ठीक है छोटी, आज ही मैं वरुण से बात करती हूँ। रजनी दरवाजे पर खड़ी इन दोनों की छोटी सोच वाली बातें सुन रही थी, पर बोल नहीं सकती थी। बहू जो थी घर की, बड़ों के बीच बोलने की इजाजत जो नहीं थी। माँ जी और सासी जी की बातों ने जैसे उसे अंदर से झकझोर दिया था। उसने मन बना लिया था कि मोनी से वरुण की शादी नहीं होने देगी। मोनी जो बिगड़ी बाप की इकलौती संतान, एक नंबर की झगड़ालू अंकरो स्वभाव की लड़की, पहली शादी के कुछ सालों बाद ही उसका तलाक हो गया था। वो भी उसके झगड़ालू स्वभाव की वजह से। दूसरी तरफ प्रिया उसकी देवरानी कम दोस्त ज्यादा थी, बहनों सा प्यार था दोनों के बीच। प्रिया का एक बेटा 4 साल का अंकुश स्कूल जाता था, और ये छोटी सी जान जो अभी अभी ही धरती पर कदम रखा था, पेट में आने से पहले ही प्रिया ने इस बच्चे को रजनी को देने का निर्णय ले चुकी थी। रजनी की शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे और उसे एक भी बच्चा न होने के कारण प्रिया ने अपनी देवरानी बहन होने का फर्ज पूरा कर रही थी। प्रिया की बातें जैसे रजनी के सुने आंगन में फूल खिला दिए। बंजर भूमि में एक संतान की आस पूरा होते देख रजनी ने प्रिया को गले लगाया था। कितने खुश थे दोनों बहनें, जेठानी देवरानी, पर किसे पता था इन सब में प्रिया की जान चली जाएगी कुछ प्रॉब्लम के कारण। डॉक्टर प्रिया को नहीं बचा सके, सिर्फ बच्चे की जान बचा पाए। रजनी के उतल पुतल और यादों की तिजोरी को याद करते करते रात के खाने का समय हो सला।
सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी माजी ने वरुण को फिर से शादी करने की बात रखी। माजी ने कहा, वरुण मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। मैं कितने दिन तुम लोगों के साथ रहूंगी? पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी? बोल बेटा, मेरी मान तो दूसरी शादी के लिए हाँ कर दे। माजी की बात सुनकर वरुण ने कहा, माँ मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मैं अपनी जिंदगी प्रिया के यादों के सहारे काट लूंगा। वैसे भी मेरे ऊपर अंकुश की जिम्मेदारी है और नन्ही सी परी को तो भाभी पाल लेगी। वो तो उनका ही अमानत है, जैसा प्रिया ने पहले ही कह दिया था। वरुण की बातें सुन माजी रजनी की तरफ देखकर बोल पड़ी, अरे बल्ला, ये क्या जाने माँ का दर्द। ये खुद तो बच्चा जन्म ना सकी, ये क्या बच्चे पालेगी, और वो भी दूसरे का बच्चा। माजी की कड़वी बातें रजनी के ममता पर एक प्रहार किया। माँ माना कि मैं बच्चे को नहीं संभाल पाऊंगी, पर इसकी क्या गारंटी है कि मौनी बच्चे को संभाल लेंगे, और वो भी अपने पति के पहले बीबी के बच्चे को। और हाँ, आप जो कह रही हैं कि एक औरत के बिना एक आदमी कैसे रह सकता है, तो सुनिए, मैं भी इतने सालों से एक विधवा एक कुमारी की तरह जीवन व्यतीत कर रही हूँ। क्या कभी आप लोगों को कुछ एहसास हुआ नहीं ना? फिर रजनी ने कह ही दिया जो आज तक सब से छुपा कर रखा था। माजी अपने कैसे दिया कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, मेरे अंदर भी एक माँ सांसें लेती है। मैं भी माँ बनना चाहती थी, पर कमी तो आपके बेटे में थी जो आपको कभी दिखी ही नहीं। मैंने सब अपने अंदर छुपा कर रखा था। आपके बेटे ने मुझे कितनी बार कहा तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे छोड़ तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियो, पर मैंने कभी सुजीत का हाथ नहीं छोड़ा। पता तो आपके बेटे को भी नहीं था कि उनके अंदर शारीरिक असमता की कमी है। वो कभी पिता नहीं बन सकते, वो भी शादी के कुछ दिनों बाद हमें पता चल गया था। पर मैं इनके पुस्तव को देख कर नहीं, बल्कि आपके बेटे का प्यार अपनापन व्यवहार देख कर साथ निभा रही हूँ। वो कहते हैं ना, माँ पेट की आग से ज्यादा सताती है तन की आग। पर मैंने सुजीत रजनी का पति के प्यार से अपना पेट और तन भर लिया करती हूँ। रजनी बोल कर रोने लगती है। वही खड़ा सुजीत अपनी पत्नी रजनी को गले लगा लेता है। रोते रोते रजनी सुजीत से माफी मांगती है, कहती है, माफ कर दो मुझे, मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी, पर जब मेरे मातृत्व पर अंगुली उठाया गया तो मैं खुद को रोक ना सकी।
संजीव कहता, ठीक कि तुम रजनी, शायद ये बात कभी नहीं बता पता। मैं इन सब को तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तुम औरत हो ना, इसलिए तुम्हारे बलिदान को कोई समझ नहीं सकता। वही कोई पुरुष करे तो सारी दुनिया में उसकी वाह वाही होती है। धीरे धीरे सब उठ कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सब की बातें सुन माजी, जाते जाते सिर्फ इतना कह गई, वरुण तुझे जो समझ में आता है तू वही कर, और रजनी को कह गई, देख उस नन्ही सी परी का अच्छे से ध्यान रख, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।